हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस पैटर्न पे वर्क करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे नेट स्टिच यूज़ किया है और ये मैंने उसकी बाउंड्री पे चेन स्टिच से आउटिंग की है, और यहाँ पे भी मैंने चेन स्टिच का ही यूज़ किया है, और यहाँ पे मैंने स्ट्रेट स्टिच से पूरा मैं पैक कर दूँगी उसको। आइए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें यहाँ से इतने डिस्टेंस से स्टार्ट करना होगा और हमारे थ्रेड को इस तरह से होल्ड करते हुए हमें यूँ स्टिच लेना है, और हमारा थ्रेड निडल के इस साइड रहेगा। इस तरह फिर वापस हम इसे होल्ड करेंगे और इतना स्टिच लेंगे। अब यहाँ पे हम इसे लॉक कर देंगे। अब इतने डिस्टेंस पे हम हमारी दूसरी लाइन बनाएंगे। यहाँ से हम हमारी निडल निकाल कर स्टार्ट करेंगे वापस सेकंड लाइन के लिए, और इस बार हमें हमारे थ्रेड को इस साइड होल्ड करके रखना है, और यहाँ पे हम यहाँ जो हमारी फर्स्ट लाइन है उसके बीच में से हमें निकालते हुए यहाँ पे हमारी लाइन कंप्लीट होगी, और इसे भी हम यहीं पे लॉक कर देंगे, और थोड़े डिस्टेंस पे हम हमारी तीसरी लाइन स्टार्ट करेंगे। इसमें मैंने फ्रेंड एंकर का थ्रेड यूज़ किया है। आप आपके आसपास जो कोई भी थ्रेड मिलता हो आप उसका यूज़ कर सकते हो। इतना नेसेसरी नहीं है कि आप यही थ्रेड यूज़ करो। इसी तरह से हमारी पूरी नेट स्टिच से हमारी पैटर्न कंप्लीट हो गई है। अब मैं उसके बाउंड्री पे बॉर्डर करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इसे लॉक कर देती हूँ। अब आउटिंग के लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। ये वाली मैंने लाइन कंप्लीट कर दी है, और यहाँ हम हमारा जो जॉइंट है वहाँ पर हम बीच में से निकाल कर स्टार्ट करेंगे हमारी चेन स्टिच।
ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पे हम इसे लॉक कर देंगे और वापस हम यहीं से निकाल कर हमारा इस साइड का राउंड कंप्लीट करेंगे। अब ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पे हम इसके बनाऊंगी बीच की लाइनें। अगर आप ये फ्लावर में आउटिंग स्टेम स्टिच करते हो तो यहाँ पे भी आप स्टेम स्टिच यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे चेन स्टिच का यूज़ किया, इस वजह से मैं यहाँ पर भी चेन स्टिच ही ले रही हूँ। आप बीट से भी उसकी आउटिंग बना सकते हो। और यहाँ पे डॉट बनाने के लिए हमें थोड़ा बड़ा बनाना है, इस वजह से हमें हम इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले यह स्ट्रेट लाइन, फिर क्रॉस करके फिर वापस दोनों के बीच में से इस तरह से हम पूरा स्टार जैसा बनाएंगे। फ्रेंड्स ये बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।